किसी ने बड़ा खूब कहा है दोस्त कि ज़िंदगी जीने का हुनर उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूपों में खुद को तपाया है, वही हुए हैं कामयाब जिंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त शुभंकर शुभम गैलवियन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे इंडिया के टॉप 7 MLM अर्नर के बारे में। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर सेंड कीजिएगा जो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से कमाई नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग टाइम बर्बाद करने का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का ज़िंदगी बर्बाद करने वाला बिजनेस है। उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 7 टॉप अर्नर के नेटवर्थ भी बताऊंगा, जिससे आपके किसी भी नेगेटिव गेस्ट को पॉजिटिव कर सकते हैं इसको दिखा के कि यस नेटवर्क मार्केटिंग से लोग करोड़ों कमाते हैं। और एक बात दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि YouTube में बहुत सारे ऐसा वीडियो मिलेगा जहाँ पे 2023 का टॉप अर्नर का लिस्ट लोग दिखाएगा, लेकिन दोस्तों वो क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ये आपको पूरा डिटेल रिसर्च करके ये टॉप 7 अर्नर का लिस्ट बनाया गया है। तो दोस्त आप इसको ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझिए और समझ के इसको लागू कीजिएगा अपने ऊपर। इंडिया का टॉप 7 MLM अर्नर में टॉप नंबर 1 पे आते हैं सोनू शर्मा सर। अब सोनू शर्मा सर के बारे में आपको डिटेल में अलग कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको सोनू शर्मा सर के बारे में सब कुछ पता है। मैं सिर्फ इस वीडियो में उनका नेटवर्थ बताऊँगा। उनका नेटवर्थ है 75 करोड़ से भी ज़्यादा। बाकी दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग शायद नेटवर्थ के बारे में जानते नहीं हैं, तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। नेटवर्थ और कमाई में अंतर है। कमाई उसे कहते हैं आपके मेहनत के बदले में जो पेमेंट आपको मिलता है उसको कमाई कहते हैं। वो आपका हज़ारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है, करोड़ों में भी हो सकता है, लेकिन नेटवर्थ कहते हैं कि आपका सारा खर्चा हटा के आपका जो जमा पूंजी है उसको कहते हैं नेटवर्थ। इस लिस्ट पे नंबर 2 पे है हर्षवर्धन जैन सर, जिनका नेटवर्थ है लगभग 50 करोड़ से भी ज़्यादा। और ये MI लाइफस्टाइल कंपनी से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही इंडिया का मोस्ट पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर है, और इनका यूट्यूब चैनल में लाखों का सब्सक्राइबर है। इस लिस्ट पे नंबर 3 पे है जिनके पास MLM का सबसे ज़्यादा नेटवर्थ है, वो है सुरेखा भार्गव मैम, जो कि मोदी केयर कंपनी से जुड़े हुए हैं और इंडिया का टॉप मोस्ट पॉपुलर लीडर भी हैं, और इनको MLM इंडस्ट्री में गुरु माता के नाम से लोग जानते हैं। इनका नेटवर्थ है लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा। इस लिस्ट के नंबर 4 पे आते हैं दीपक बजाज सर, जो कि MI लाइफस्टाइल कंपनी से जुड़े हुए हैं और इनका एक यूट्यूब चैनल है दीपक बजाज के नाम, जहाँ पर लाखों सब्सक्राइबर है, और इनका नेटवर्थ है लगभग 13 करोड़ से भी ज़्यादा। इस लिस्ट पे नंबर 5 पे है सिद्धार्थ सिंह सर, जो कि वेस्टिज कंपनी से जुड़े हुए हैं, और सोनू शर्मा सर वेस्टिज में आने से पहले वेस्टिज का टॉप मोस्ट अर्नर था, लेकिन अभी भी ये वेस्टिज का टॉप अर्नर पे आते हैं और इनका नेटवर्थ है लगभग 9 करोड़ से भी ज़्यादा। इस लिस्ट पे नंबर 6 पे आते हैं चेतन हंडा सर, जो कि ग्लिच ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है, और ये यूट्यूब में बहुत पॉपुलर है। यूट्यूब में इनका कुछ ही वीडियो है, लेकिन हर एक वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यू है। इनका नेटवर्क का डिटेल इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिला, लेकिन इनका कंपनी ग्लिच ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सालाना टर्नओवर है लगभग 74,379 करोड़ प्लस। तो आप अंदाजा लगा लीजिए इनका नेटवर्क कितना होगा। इस लिस्ट पे नंबर 7 पे आते हैं सूर्य सिन्हा सर, जो कि MLM इंडस्ट्री का बहुत ही पॉपुलर लीडर है, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, और इनका यूट्यूब वीडियो में लाखों में व्यू आते हैं। इनका नेटवर्क का डिटेल इन्फॉर्मेशन कहीं पे नहीं मिला, लेकिन MLM के टॉप अर्नर में इंडिया में इनका नाम भी आता है। तो दोस्त ये था इंडिया का टॉप MLM अर्नर, जो कि करोड़ों में अपना नेटवर्क बना चुका है। तो दोस्त आप उन लोगों को ज़रूर बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप बोलते हैं कमाई नहीं होता है, तो ये लोग करोड़ों का संपत्ति कैसे बनाया। बाकी दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्त तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।